चक्रवृद्धि ब्याज युक्त समस्याएं। किश्त योजना में जहां किश्त प्रतिमाह दी जाती है तथा कुल समय एक वर्ष से कम है, ऐसे उदाहरणों में साधारण ब्याज का प्रयोग हुआ है। कई बार एक वर्ष से कम समय में भी विक्रेता चक्रवृद्धि ब्याज लेता है। ऐसे में ब्याज अर्धवार्षिक या तिमाही संयोजित होता है। कभी कभी किश्तें एक वर्ष से अधिक समय तक दी जाती हैं, तब भी इसकी गणना चक्रवृद्धि ब्याज से की जाती है। उदाहरण 19। एक फ्रिज जिसका नगद मूल्य 15,000 रुपये है, किश्त योजना में यह 2,250 रुपये तत्काल नगद भुगतान के पश्चात दो अर्धवार्षिक समान किश्तों में 8% वार्षिक ब्याज की दर पर उपलब्ध है। यदि ब्याज प्रति 6 माही संयोजित किया जाए तो प्रत्येक किश्त की राशि ज्ञात कीजिए। उदाहरण 19। हल। प्रश्न में फ्रिज का नकद मूल्य दिया गया है 15,000 रुपये। साथ ही जो तत्काल नगद भुगतान किया गया वह है 2,250 रुपये। अब हम शेष देय राशि ज्ञात कर सकते हैं। शेष देय राशि बराबर होगा 15,000, जो कि उसका नकद मूल्य है, ऋण जितना तत्काल नकद भुगतान किया गया, यानी कि 2,250 रुपये। इस प्रकार यह होगा 12,750 रुपये। प्रश्न में ब्याज की दर भी दी गई है। ब्याज की दर है बराबर 8%, परंतु यह 8% वार्षिक है और हमें गणना जो करनी है वह अर्धवार्षिक करनी है, तो दर कितनी होगी? 4% प्रति 6 माही। इसलिए अब हम किश्त की राशि ज्ञात कर सकते हैं। हम मान लेते हैं कि प्रत्येक, यानी कि प्रति 6 माही जो किश्त की राशि है वह ₹x है। तथा P1 व P2 क्रमशः पहली और दूसरी राशि के मूलधन है। तब हम किश्त राशि की गणना कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। किश्त राशि की गणना करने के लिए हम यह देख सकते हैं कि पहले 6 माही के लिए जो किश्त राशि है वह पहले 6 माही का मिश्र धन होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि x बराबर P1 यानी कि पहले 6 माही का मूलधन गुणित 1 धन R/100 और घात n। इसी प्रकार दूसरे 6 माही की किश्त राशि जो है वह भी होगी x बराबर P2 यानी कि दूसरे 6 माही का मूलधन गुणित 1 धन R/100 पूरे की घात n। जहां हम इनके मान रख दें तो P1 अभी हमें ज्ञात नहीं है, इसे हमने व्यक्त किया हुआ है। साथ ही 1 धन R ब्याज की दर दी गई है 4/100 और ये पहले 6 माही के लिए है इसलिए n का मान होगा 1। दूसरे 6 माही के किश्त के बारे में बात करें
तो हमें मिलेगा एक धन, ब्याज की दर समान है यानी कि 4, और अब समय होगा n का मान 2। चलिए इसे हल करते हैं। तो x बराबर p1 एक धन 4/100 को यदि सरल कर लें तो हमें मिलेगा 1/25, 1/25, और यहाँ पर पुनः हम हल करें तो ये पुनः हो जाएगा फिर से 1/25 पूरे की घात 2। आगे हल करने पर P1 गुणित एक धन 1/25 यानी कि हम इसे लिखेंगे 26/25, और यहाँ पर दूसरे माह के लिए जो हमें ज्ञात होगा, दूसरे 6 माही के लिए जो हमें किस्त राशि ज्ञात होगी वह भी होगी x बराबर P2 गुणित 26/25 पूरे की घात 2। पुनः हल करने पर यहाँ से यदि हम पहले 6 माही के लिए मूलधन की गणना करना चाहें तो हमें मिलेगा P1 बराबर 25/26 गुणित x। इसी प्रकार दूसरे 6 माही के मूलधन की गणना यदि हम यहाँ से करना चाहें तो मिलेगा P2 बराबर 25/26 पूरे की घात 2 गुणित x। अब हम देख सकते हैं कि जो शेष देय राशि है 12,750 रुपये, वह इन दोनों मूलधनों के योग के बराबर होगी। तो अब हम लिख सकते हैं, अतः 12,750 बराबर P1 यानि पहले 6 माही के लिए मूलधन धन P2 यानि कि दूसरे 6 माही के लिए मूलधन। चलिए इसे आगे हल करते हैं। फ्रिज के नगद मूल्य में से तत्काल नगद भुगतान की राशि को घटाने के पश्चात जो शेष देय राशि मिली थी वह है 12,750 रुपये, और इसका मान पहले 6 माही के मूलधन धन दूसरे 6 माही के मूलधन के योग के बराबर होगा। तो अब हम इसमें P1 P2 के मान को रख देते हैं। P1 का मान हमें प्राप्त हुआ है 25/26 गुणित x, उसी प्रकार P2 का मान है 25/26 पूरे का वर्ग गुणित x। यहाँ से हम देख सकते हैं कि इन दोनों पदों में 25/26 गुणित x जो है वह उभयनिष्ठ लिया जा सकता है। तो हम इसे हल करते हैं, 25/26 गुणित x, और कोष्टक में हमारे पास बचेगा इस पद में 25/26 गुणित x उभयनिष्ठ लिया जा चुका है, तो यहाँ पर आएगा 1 धन, यहाँ पर हमारे पास यह पद वर्ग में है इसलिए 25/26 बचेगा, और x भी जो है वो उभयनिष्ठ निकाला जा चुका है। तो हमें मिला 12,750 बराबर 25/26 गुणित x कोष्टक में 1 धन 25/26। चलिए इसे आगे हल करते हैं। तो हमें मिलेगा 12,750 बराबर 25/26 गुणित x, और कोष्टक में हो जाएगा 26 धन 25/26। पुनः हल करने पर 12,750 बराबर 25/26 गुणित x गुणित ये हो जाएगा 51/26। अब x के मान के लिए इसे हमें हल करना होगा, तो हमें प्राप्त होगा x बराबर 12,750 गुणित 26 गुणित 26 बटे 25 गुणित 51। चलिए आगे हल करते हैं। हमें x का मान प्राप्त हुआ था x बराबर 12,750 गुणित 26 गुणित 26 बटे 25 गुणित 51। इसे हल करते हैं, 25 के पहाड़े से काटने पर हमें प्राप्त होगा 25 एकम 25, और ये जाएगा 510 बार में। इसके पश्चात 51 के पहाड़े से हल करने पर यह होगा 51 एकम 51, और 51 दहम 510। इस प्रकार x का मान 10 गुणित 26 गुणित 26 बटे 1 यानी कि हम लिख सकते हैं x बराबर 6,760 रुपये। तो हमें प्रत्येक किश्त की जो राशि प्राप्त हुई वह हुई 6,760।
760 रुपए। इस प्रकार प्रश्न हल हुआ।